जड़े पुओ पुणी जड़े झी शुणले जोबले से मैंने पाठ कले निश्चित तो आपण मैंने शुणिंते शुणी पुणी स्पष्ट भाव जापारी तेब आम देखुचु भक्त पाउल साधु पाउल से थेसलोनिक मंडल को से लोक मान को चिठी लिखुंट तेबे आ मैंने से पांच पर्व बार पद जो परामर्श दि जाए परामर्श आ मैंने वर्तमान पाठ कर शुणिलु प्रभुंकर दास से थेसलोनिक मंडल के लिखुंट कौन बोली लिखुंट हे भाई माने आंबे माने तुम को अनुरोध करूछु कौन पा अनुरोध करवश्यकता रही पाउल से अनुरोध करनम्र अनुरोध हाथ जोड़ी अनुरोध से लोक मान को यह प्रकाश करे मु तुम को अनुरोध करूछु जो मैंने तुम मान परिश्रम करती पाउल भी गोटे ठारे लेखा लिखिंट जो मैंने परिश्रम करती ना से मैंने कौन करवाक ना खावाक ना बोली कहा जा प्रकृत कथा छात्र छात्री माने से मैंने भल अध्ययन न कले पाठ न पढ़िले खावाक कहीं मन कर आवश्यक अच्छी तेणु पाउल स्पष्ट भाव लिखिं जो मैंने परिश्रम करती ना से मैंने खावाक ना तबे एठी मध्य जो माने तुम मान परिश्रम करती मंडली मध्य नेतृत्व नेबा व्यक्ति मान को प्राचीन मान को अध्यक्ष मान को यही परामर्श दि जाऊँ गोटे वर्ष पाई निजुक्ति दि जाऊँ से गोटे वर्ष पाई परिश्रम करने को हम किपरि परिश्रम किपरि शिक्षा किपरि चेतना देवा को हेबो पाउल इटे प्रकाश करुछंती परिश्रम करंती ओ प्रभु को सेवारे तुम मान को नेता स्वरूप नियुक्त करिछंती धरि नंतु मो अन्य मान कर कथा न कहि पारे गोटे साधारण नेता भाव में मते मध्य ए वर्ष पई नियुक्त करा जाइछि मु जदि मंडली पई परिश्रम करिबि नाय मुझे मंडल उन्नति निम्ते मनोजोग करी ना मो नेतृत्व स्थान नहीं लाभ कौन प्रिय भाई भूणी माने चिंता करंतु पाउल केते चिंता केते प्रार्थना आलोचनार सहित थेसलोनिक मंडल को से कहते को प्राचीन हिसाब से जो मान को नेतृत्व हिसाब से जो मान को अध्यक्ष हिसाब से मंडली गुरु दायित्व एक वर्ष पाई से माने परिश्रम करने को हम ताबोली माटी आणवा खुंटी पोतिबा ए संपर्क परिश्रम कहा जाऊना जो आशा भरोसा नहीं विश्वासी विश्वासी मान मंडली उपस्थित होंगे वाक्य शुणापाई ध्यान करने आशीर्वाद करने एक उपयुक्त शिक्षा दरकार जो माने से आसन अलंकृत होती से मानक यह प्रकाश करा जाउची मुझे मंडली पाई परिश्रम करी ना मंडल विश्वासी विश्वासी मान को चेतनार शिक्षा देवी ना तो मु आसन रही लाभ कौन पाउल लिखुंट थेसलोनिक मंडली प्राचीन मान को अध्यक्ष मान को नेतृत्व व्यक्ति मान को यह कहा जाऊँ तुम मैंने परिश्रम करने को हम से मानक चेतना दियो जो मैंने चेतनार शिक्षा दौंती परिश्रम करुंती मान्य कर बोली कहुची जड़े धनी व्यक्ति आसब ताको आम मान्य करवा जड़े विद्यावती विद्यार्थी बा जड़े विशिष्ट ज्ञानी तांको सम्मान देवा ए विषय यह कहा जाऊना मंडली लोक मान को परिश्रम पड़ी शिक्षा देवा
चेतना देवा से मानक तुम कौन कर मान्य कर मु पदवीर रही जाइए ए वर्ष मुझे जो शिक्षा दूच मत मान्य करने कह जाऊना उपयुक्त परिश्रम करने को हम अन्नर उपकार करने पाउल ये परामर्श दौंट आम जो देखा प्रथम तीमती तार पांच पर्वर सतर पद दयाक पढ़तु आ मैंने शुणिलु जे किपरि भावे लोक मान को शिक्षा देवा को हबो पुणी से शिक्षा देवा व्यक्ति मान को सम्मान देवा को हबो जन व्यक्ति कथा कही जानुची विभिन्न प्रकार उदाहरण माध्यम रे कहूची जा उपयुक्त न थाई पारे जा कि हितजनक वाक्य कहवा द्वारा विश्वासी मान करो आत्मिक अभिवृद्धि हम यहपरि वाक्य चेतना शिक्षा देउथिबा व्यक्ति मान को कौन करने को हम मान्य करने को हम मान्य पाइबा रही जेतबले पाउल लेखुचंती से प्रेरित पुस्तक तार कोड़े पदर अठाईस पद दिखे देखा तुम्बे निज निज विषय आउ जो मंडली की ईश्वर आपण निज रक्त क्रय कर ताहांकर सही मंडली की प्रतिपालन करिबा निमन्ते पवित्र आत्मा जे समस्त पल मध्ये तुम मानकु अध्यक्ष स्वरूप निजुक्त करियोचंती से मानक विषय सावधान हे थाओ अटल वर्षक तुम नेतृत्व स्थान देइछु एक वर्ष पई तुमको सुजोग दिया जाउची हृदय स्पर्श वाक्य कहिबा पई आंठु माडी प्रार्थना करिबा पई प्रस्तुत हेबा को हबो वर्ष सारा मु कौन शिक्षा देइछि कौन उपकार वाक्य उपस्थापन करिछि ताहा कौन हबो सेई आगमन समय रे मोटरो उत्तरदायी हेबा को हबो मंडली गुमा मंडली रो प्रश्न आसीबो सेमान को निमंत्रे मु उत्तरदायी हेबी मु किपरि भाबे परिचालना करिछि किपरि भाबे परिश्रम करिछि किपरि भाबे चेतना रो शिक्षा दिया देइछि पद अलंकृत कले नाय मंडली प्रति मनोजोग हेबा को हबो मंडली निरपेक्ष भाव में शिक्षा देवाक हम चेतनार शिक्षा देवाक हम पाउल लेखुचंती एत बड़ विशिष्ट पद पाई तुम्हें मैंने परिश्रम करने को हम एक पदर देखु अतवे तुम मैंने जगि रुह पाउल कहते प्रत्येक समय आम मैंने कौन हेबा जग्रत रहीबाक हम से पांच पर्व ऊपर पदर के अंशर लिखा जाए प्रभु जीशु आगमन करे चोर पर आसबे तुमने जागी रुह जदि आम आलोकर संतान संतति से चोर पर आसले आम प्रस्तुत रहा कारण आम आलोकर संतान आम आलोकर संतान संतति एणु आ मैंने सदा सर्वदा जाग्रत होगा कहवापी पाउल से प्रकाश करस पर्यत दिवार अश्रुपात सहित प्रत्येक जन को तीन वर्ष से लिखुचंती मु तीन वर्ष पर्यंत दिन नाय राति नाय मोर चक्षुरु लुह गोड़ाए परमेश्वर ठार प्रार्थना करुची जो जो मंडली को मुझे शिक्षा देची जो जो मंडली मैंने अग्राह करुचंती निमंत प्रार्थना करुची आउ किपरि लोक मैंने हजात्मक ग्रहण करी एथिपाय से प्रार्थना परिश्रम पड़ुचंती एणु से कार्य करिथिबारु से परिश्रम पड़िथिबारु से चेतना दे शिक्षा दे थिबारु से आज स्पष्ट भाव से प्रेरित तार कोड़े एक लिखुचंती मु तीन वर्ष पर्यंत दिवारात्र अश्रुपात सहित प्रत्येक जन को चेतना देवा को जे ख्यात हो नी स्मरण कर विभिन्न मंडली को जाती करते मंडल थेचलन मंडल विभिन्न फिलिपिय मंडल एफिसियो मंडल समस्त जो जो शिक्षा दे दिवारात्र से उपकार निमंते से आत्मार सुरक्षा निमंते से अश्रु ढले परमेश्वर ठारे से प्रार्थना करमेश्वर ठारे दिवारात्र तीन वर्ष पर्यंत तेरे प्रिय भाई भी मैंने आम मान को जो जो दायित्व दि जाए जहा जा जो जो दायित्व दि जाए
से अनुसार सुचारू रूप आम परिचालना करने द्वारा विश्वासी विश्वासी मान आत्मार उपकार हम आम जदि आसन अलंकृत होगा आम नीरव थिबा आम मनोजोगी हवा ना चेतनर वाक्य कहवा ना तेल लोक मान कड़ू आसव आत्मार उपकार कौन हम पाउल कहते से दिवारात्र क्रंदन सहित निजर चक्षु लुह गोड़ कापाई से मंडली विश्वासी विश्वासी मान मत जी प्रश्न हे ए अटल जदि तुम्हें ए वर्ष एक पद नहीं चो दिन को केत थर तुम्हें मंडली प्रति विश्वासी विश्वासी प्रति समस्त के समय प्रार्थन तुम्हें लग मंडली तुम असुरु जल बाहर कि तुम्हें मनोजोगी अच कि यदि प्रश्न हम ताल मु उत्तर देवी एणु प्रभु आम को अनुग्रह कर आशीर्वाद कर यथाशक्ति अनुसार आ मैंने कौन करवा वाक्य परिश्रम करने कौन कले मंडली उन्नत हेब कौन के मैंने विपद जाऊँगी से मानक किप उद्धार करवा मुझ पदर से आऊँ जी जी कल तार तीन पर्व षोल रु उन्नीस पद टे पढ़ु जी जी कल को इस्राएल लोक मान प्रहरी भाव निजुक्ति कले आज आम मान को जो दायित्व दि जा प्रहरी आम मैंने सब सब आम प्रत्येक समय मंडली प्रति विश्वासी विश्वासी मान प्रति चिंता आलोचना सह प्रार्थना करिवार आवश्यक जो परिवार द्वारा मोर लाभजनक मुझे जा प्रार्थना करवा किसी लाभ ना दरिद्र हो धनी हो समस्त परिवार को जाए प्रार्थना करिवार कर्तव्य मो ऊपर लदि दि जाए मो ऊपर से भार रही मुझे अनुसार कौन करने को हम प्रार्थना करने को हम शिक्षा देवा को हम से परी व्यक्ति की मान्य कर बोल कि पाउल लिखुंट जे परिश्रम पड़ू ना उपरी उपरी दिन काटे दौर ताको परिश्रम मान्य करने कह जाऊना ताको आदर सादर ग्रहण करने लेखा जाऊना तेब इस्राएल प्रहरी हेपाई जीही जीवन को निजुक्ति कले जो जीही जीवन को निजुक्ति कले साहस सहित प्रभु को लक्ष्य कर तुम्हें कार्य करने जीही जीवन को सदा प्रभु कहते सात दिन से परिश्रम निस्तब्ध रही निर्वासित लोक मान को जाई परामर्श कले वाक्य कहवापाई से आम शुणु ना आम ग्रहण करूँ ना यू हो छ पदर देखु जी जी कल नीरव सात दिन रहा से एगार सतर पदर आम देखु हे मनुष्य संतान आम्बे इस्राएल वंशपति तुमको प्रहरी कर निजुक्त करू से इस्राएल मान सुरक्षा पाए इस्राएल को उद्धार करने विपद गमन रु सठिक पथ को आने कुपथ रु सुपथ को आसवापाई चेतना देवा निम्ते परिश्रम कर वाक्य कहवापाई हे जी जी कल आम्बे तुमको प्रहरी रूपे निजुक्त कलु तुम्हें एपटे से पटे हेब ना जो भार देचु जो दायित्व देचु जो प्रहरी पदर निजुक्त करचु से कार्य तुम्हें करने को हम तुम इस्राएल वंश को कह से इस्राएल वंश कहीं कहते मन मत लोक
ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖିର ପିତୁଳା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ଗମନରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଜିଜି କଲ ତୁ ମନୋଯୋଗ ହେ, ତୁମକୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏଇ ତୁ ଆମ୍ବ ମୁଖର କଥା ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ବ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ। ଆମେ ସୁନାପଦ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗରେ, ସାର କଥା ହିଁ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଛି। କାହାକୁ ଭୟ କର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି କର୍ଣ୍ଣିଲ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଦୂତ ଆସି କଥୋପକଥନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖାମୁଖି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହେ କର୍ଣ୍ଣିଲ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବଦା କରୁଛ, ତୁମେ ଯେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଛ, ଆଜି ତୁମର ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇଛି, ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। କେଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ସେ, କେଡ଼େ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ସେ, ମୁଖାମୁଖି ଦୂତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଜିକଲ କହିଲେ, ଜିଜିକଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଚେତନା ଦେବ, ଯଦି ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ ପଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବ। ମୋର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯିଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଟି କି ପଥରକୁ ରୋଟି କରି ଖାଅ, ନା ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜିଜିକଲକୁ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତାହା ନ କରିବେ, ଜିଜିଲକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି କହିବ ଏହା, ଯଦି ନ କହିବ ତାହା, ଏ ପ୍ରକାର ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାହା କର ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧର ନରକ ଅଛି, ଛାଡ଼ ଏଇ ପଥକୁ ଆସ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଦି ଫେରିବ, ସେ ଯଦି ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା, ଆମେ 18 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେବେ ତାହାକୁ ଚେତନା ନ ଦିଅ, କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ତାର କୁପଥରୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କୁହ। ଦେଖ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଫେରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଜି କଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କାନେ କାନେ କହୁଛି, ପ୍ରହରୀର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ତୁମେ ଯଦି ନ କରିବ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ, ସେଇ ଦୁଃଖ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁପଥର ବିଷୟରେ କିଛି ନ କୁହ, ତେବେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ମରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ତୁମର ପରିଶୋଧ ନେବା। ମୁଁ 40 ମାସ ବାକ୍ୟ କହିବି, ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି? ଜିଜିକଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କୁପଥର ଫେରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ଚେତନା ଦିଅ, ଯେପରି ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଆଣିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି 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 ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଦାଉଦ, 6 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡର ଗୋଲିଆଥକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ବଳ ଥିବ, ସେ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେ ଉଠିଲା, କିଏ ସେ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ? ସେଇ ସମୟରେ ଅତି ଧୀର ଭାବେ, ଅତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ, ହେ ମହାରାଜ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ। ଆମେ ଗୀତ ସହିତ 51 ପର୍ବ ଟିକେ ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା କୁହାହେଲା, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଲା, ତାକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ,
गप कौ कौ से नीरव शुणुची मो दोषी करनी मु निर्दोष भावुची किए से बोली जो विरक्ति हेले राजा से समय निर्देश दौंस से तुम्हें से तो राजपोषाक पिंधि से राजपोषाक चिरी देला से आहा एडे बड़ कार्य को मु कली किए दे से कौन मु तुम्ब विरुद्ध केवल तुम्ब विरुद्ध पाप करुम्ब दृष्टि जहा मंद करी तेणु तुम्हें कथा कह बड़े धार्मिक और विचार कर बड़े निर्दोष हब चेतना देवारु परामर्श देवारु शिक्षा देवारु दाऊद कौन हेले आपणार राजवस्त्र को परिवर्तन हेले दिन ना राति ना केते क्रंदन कले कि तार सज्जा तिंती जाऊला आ मैंने जा भूल करुचु आ मैंने क्रंदन सहित प्रार्थना करुचु न करुचु ता व्यक्तिगत आ मैंने जापर किंतु दाऊद जेतेबेले शिक्षा पाइले चेतना पाइले नाथन को द्वारा सदाप्रभु तांको पाक पठौचंती आउ से ताहा सुनी से नीरव हेले नाय से स्वीकार करुचंती प्रकाश करुचंती जे मु तुम विरुद्ध रे प्रकार करुची चेतना देवा द्वारा परामर्श देवा द्वारा से परिवर्तित हेले इस्राएल वंश को मध्य जे जी कथा कह जाउची तुम्हें जाओ आउ से मन को कह जदि से मैंने शुणवे ना मात्र आंबे तुम हस्तर तहार रक्तर परिशोध नेबा प्रिय भाई भौणी मैंने आम मैंने एकावन बावन जन निजुक्ति आम मान मंडल निकाश से ने जदि आम नीरव अच्छु कर्म करूनु परिश्रम पड़ूनु चेतनार वाक्य कहूनु तेबे से मध्य आम मान आगमन पर प्रश्न पचारे तुम्हें मंडल कौन कर तथापि तो तुम्बे जब दुष्ट को चेतना दियो आउ से अपना दुष्टतारु आउ अपना कुपथरु न फेरे से निज धर्म मरब हाथ धोई देला जी जी कल परमेश्वर कहते जाओ जी जी कल इस्राएल मान को कह जिरिमिया पुस्तक मध्य देखु आम तुम वाक्य शुणुनि आम कर्ण देवू ना आम कथा शुणुनि से कथा कहते जाओ से कह कुपथरु फेरे से निज न फेरे से निज अधर्म मर जदि परामर्श दिया हम ना शिक्षा देवा दिया हम ना चेतना दिया हम ना ताले से फेर केमती बगिचा भितर गाय पशिगला सब खाईदेव ताकू जदि आम घोड़ा ना ताले सब ध्वंस करदेव तेणु दुष्ट जो दुष्कर्म करमर्श देवाक हम शिक्षा देवाक हम चेतना देवाक हम या कर ना या करवा द्वारा तुम स्वर्गर स्थान ना तुम फेर जदि से न फेरे से मरिबो मात्र तुम्बे अपना प्राण रक्षा कर जी जी कल कहले एणु तुम्हें शिक्षा देवाक हम निजे सुरक्षित होवाक हम आ मैंने आ गोटे पद देखा जी जी कल 33 रो 11 पद हाँ बाबू केते प्रेम करुछंती मरण पर्यंत से अपेक्षा करुछंती आमर मृत्युर समय आसबा पर्यंत से अनैछंती केतेबेले फेरिबो परा केतेबेले आसिबो परा केतेबेले मो निमते डाकिबो परा एही चिंता होउछंती परमेश्वर से दिन अपव्य पुत्र जेतेबेले पितांग ठारु चली गला विपदगामी हैला स्वेच्छाचारी हैला अन्याय कार्य कला सेतेबेले पिता नीरव रही नांती अपेक्षा रे अछंती केतेबेले मोर पु आसिबो केते बड़े फेरी आसिबो मु हाथ मेलेसी केते बड़े मोर पो निकट को आसिबो दुष्टर मरण रे परमेश्वर कौन ना संतोष ना से मानको कहो प्रभु सदा प्रभु यही कथा कहती आम जीवित थिवा प्रमाणे प्रतिज्ञार सहित कथा कहते मु जी थिवा पर्यंत दुष्टर मरण रे आमर संतोष ना केते प्रेम अच्छे आम मान आम मले तांकर नष्ट बोली कुछ ना किंतु आमे नष्ट नाई आमे नरकगामी नाई से कौन कले आपणा सदृश आपणा प्रतिमूर्ति केते प्रेम कले सहित आम मान से निर्माण कले आउ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ବିପଦଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଖାଲି ଆମେ ଚେଇରିକି ଧରିକି ବସିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ନପାରେ। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତୁମେ ଫେର ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେର, କାରଣ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତୁମେ କିଏ ତ ମରିବ, କାହିଁକି ମରିବ ତୁମେ ଅନାବଶ୍ୟକରେ। ତୁମକୁ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣାର କରିକି ନେଲି, ସୁସଜ୍ଜିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରହ କଲା, ଧକ୍କା ଦେଲେ, ତାକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜିଜିକଲ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି, ହେ ଅଟଳ, ତୁ ସେ ବିପଦଗାମୀ ବଂଶ ଲୋକଠାରୁ ଦୂର, ସେ କୁ ପଥରୁ ତୁ ଫେରିଆ। ତେବେ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ନରକାଗାମୀ ନ ହେଉ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଯାତ୍ରା ତାର 32 ପର୍ବର 32 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ମୂଷା ଯାଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପର୍ବତକୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। 40 ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ହାରଣକୁ କହିଲେ, ହାରଣ କି କର୍ମ କଲ ତୁମେ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ? ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇ ହାରଣଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଆ କାମକୁ କଡ଼େଇ ଆଣିଲା ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ସପକ୍ଷ ଅଛି, ଆସ, ଯେ ସୁକର୍ମ କରିଛି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିଛି, ସେମାନେ ଲେବିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ, ତୁମେ ଜଙ୍ଗରେ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧ, ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣ। 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଆସିଯିବ, ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ଯେବେ ନ କରିବ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନରକାଗାମୀ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମୋର ନାମ ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ନାଁ କାଟି ଦିଅ, ବରଂ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ମୁଁ ଆଦର ପାଇବି, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବି, ମୁଁ ମାନ୍ୟ ପାଇବି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ରକ୍ଷା କରିବ ତ କର, ନହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ମୋର ନାଁ କାଟି ଦିଅ, ମୁଁ ସେମିତି ହେବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ମୋତେ ଭକ୍ତି ମିଳୁ, ମୋତେ ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଯାଉ, ମୁଁ ଆକା ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ନିନିଭି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ରଜା କ'ଣ ଆସନରେ ବସିଲା କି? ପ୍ରଜା ନଥିଲେ ରଜା ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ସେ ଯାଏ ରଜା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଛି, ରାଜା ନିଜେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ରହିବାକୁ ହବ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ନିନିଭିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯେଉଁ ନଗରରେ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରିବାରୁ, ମନପ୍ରେରଣ କରିବାରୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାରୁ, ଉପବାସ ରହିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଶୁଣି ସେଇ ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ,
से जदि कार्य करू ताले से आमानकु उद्धार करिवे नेतार कार्य हेलु देखलु जे मूसा से निजे कहउछन्ति मन्ना काटि दियो पछे तुमे से मानकु दंड दियो नै अबिकळ आउ गोटे नेता बाहरले इस्राएल को उद्धार करिया पाए मूसा से नेता हेले सुपसागर पार करैले ठीक से प्रकार प्रभु भयकारी जीवन पाउथि करथिब पाडन करथिबा व्यक्ति जियो सियो से कोन करुछन्ति से मध्य इस्राएल लोकमानकु जर्दन नदी पार करै नेउछन्ति जर्दन नदी पार हेला परे अयनगर सहित युद्ध चालिछि जोसो कहउछन्ति अयनगर छोटो नगर बहुत लोग तुम नियो नाई अल्प लोग नहीं तुम युद्ध कर तेब कौन हम अल्प जाओ आत अल्प लोग गले युद्ध करू करू इमती के जिनस गुड़ाक पकेट रे पुरे के पलै आसले अल्प लोक को हारिकी मरिकी के बचिक आसीगले देखिले कहीं दुख है आ मैंने देखा जे खाली जोश दुख भोग कले नुह जीवस सात पर्वर छ पद टे पढ़ु एथिरे जीवस इस्राएल प्राचीन गण खाली जीवस नुह इस्राएल और इस्राएल प्राचीन गण आपणा आपणा वस्त्र चिरी सदा प्रभु को सिंधुक सम्मुखे अधोमुख हो संध्या पर्यंत भूमि पड़ रही आपणा आपणा मस्तक धूली पकाइले जीवस जड़े विशिष्ट नेता से व्यक्ति जेते बड़े अयनगर लोक मैंने लेउटी से समय रे देखिले प्रभु ए गति कौन है तुम्हें पर आम को किना दस प्रवेश करने चुक्ति से कहले प्राचीन मान को डकैले प्राचीन मान सहित जो चो क्रंदन करवास कर नेतृत्व चिंता प्राचीन मान चिंता ए प्रकार रहा हम जो चो इसराएल प्राचीन गण अपना अपना वस्त्र चिरी सदा प्रभु सिंधु को सम्मुखे आधमुख हो आख ऊपर को टेकी पार ना सदा प्रभु मुख को आ देख पार ना अधमुख हो संध्या पर्यंत भूमि पड़ रही सकाल ठार् संध्या पर्यंत ये हूँ निजुक्ति पाई नेतृत्व कार्य प्राचीन मान जीओ संध्या पर्यंत सिंधु समय समस्त अधमुख हो आंठु पड़ी वस्त्र चिरी करंदन सहित प्रार्थना करसराएल जोपरी अन्य लोक मान सम्मुखें लज्जित न हो अपमानित न हो पराजित न हो इसमें संध्या पर्यंत कर तबे से क्रंदन देखिले हे जीओस उठ कहीं तुम अधमुख हो तुम भितर पाप अच्छी अनुसंधान करागला आखन पाखे से पाप देखा गला आखन को मत कि प्रकार कले समस्ते देखुं स्टीफन को से दिन जेपरी पथर फोपाड़ी मारले आज आखन को नदी कोल को ने समस्ते तार परिवार समस्त को दंड से समस्त उद्धार पाइबापाई से समस्त रक्षा पाइबापाई जो सी अपनी प्राचीन मैंने क्रंदन सहित वस्त्र सीरी संध्या पर्यंत प्रार्थना करुछन्ति पांच मिनिट प्रार्थना हेला बेलू आम आंठू सब सड़ जाऊँ आम मन विकृति हो जाऊँ किंतु संध्या पर्यंत से माने क्रंदन करुछन्ति तेबे जोसियो पर लोक को जीजी को लोक पर लोक को मूसा पर लोक को आम मान्य करने को हम भक्ति करने को हम आदर करने को हम सम्मान देवा को हम अर्थात आज मध्य जो मैंने मंडली परिश्रम पड़ुं चेतनार वाक्य कहते मंडली निम्ते आंठ भांगी प्रार्थना करुं सम्मान मिल उपासना गुरु प्रतिष्ठा है जो दिन मुँचटी प्रभु भयकारी मान विषय कहली प्रकृत से मैंने प्रभु निम्ते परिश्रम पड़ी अंबाजारी कौटी मो बापार शक्ति किंतु पाड़कर शक्ति ना चली जाऊ कौन पाए प्रभु देवाई तेब से मैंने कहीं सम्मान पाइबे जो दु हजार एक दिकन हेली कुलू सिंह प्रथम गली गजपति नगर दिकन बाबू कि भाग्यवान बापा दिकन हेले आपण मैंने दिकन होती आपण हाथ रे प्रभु खाऊ से मरण से आणुं मत ना बुढ़ा दीटा आसुले ए प्रकार कार्य करुले कहीं से मैंने परिश्रम पड़ी थी आज स्मरण से आणुंट
ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ହେ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ି ଚେତନାର ବାକ୍ୟ କହିବ, ଯେପି ଅନୁତାପରେ ଆସିବେ। ଦିଦିକଲ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ସେ ଯେପରି ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ପଥରେ ଅଛୁ ଆମେମାନେ ଫେରି ଆସିବା, ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ନାଥନ କହିନଥାନ୍ତା, ରାଜା ଦାଉଦ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ପରେ ହେଉଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଅନୁତାପ କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମେଣ୍ଢା ତୁମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନା, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କ'ଣ କହିଲି, କି ପ୍ରକାର କହିଲି ତାହା ମୋର ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତାହା ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ପୁଣି ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସର୍ବଦା ତୋଳି ଧରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ପାଣି ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି।